हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। बच्चों ठीक है, तो लिस्ट फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। लिस्ट सेकंड में हमें क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल एटम है आपके पास कोबाल्ट, यहाँ पे प्लेटिनम है आपका सेंट्रल एटम, यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम आयरन है और यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम निकल है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे पहले की, तो कोबाल्ट इस तरीके से C2O4 का होल ट्वाइस एंड यहाँ पे Cl2। अब K3 लग रहा था बच्चों, दैट मींस 3 K पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो 3 नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। तो इसकी x मानी ऑक्सीडेशन स्टेट, x 2 मल्टीप्लाई में -2 एंड क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई में -1 और इक्वल्स टू में क्या आ गया -3। तो x बराबर क्या आ गया -3 और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया +3 आ गई। तो फर्स्ट हमारा किससे मैच करेगा, तो फर्स्ट आपका R से मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं PtC2H4Cl3। तो यहाँ पे क्या होगा कि X मानी ऑक्सीडेशन स्टेट, अब C2H4 है आपके पास, तो बच्चों इसकी क्या होती है, 0 होती है ना, और क्लोरीन है तो 3 मल्टीप्लाई में -1 और इक्वल टू में क्या आएगा -1। तो एक्स बराबर क्या आ गया -1 प्लस में 3, तो दैट मीन्स +2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड हमारा किससे मैच कर जाएगा, एस से। अब आते हैं Fe2O का होल 5 NOSO4। तो अब SO4 है तो इसके ऊपर 2 माइनस, दैट मींस 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, होल के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आयरन को X माना है ना, और H2O 5 मल्टीप्लाई में 0 क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड होता है। NO के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, +1 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा +1 और इक्वल्स टू में क्या आएगा +2 क्योंकि ब्रैकेट के +2 है ऊपर। ठीक है बच्चों, तो +2 माइनस में 1, दैट मींस क्या आ गया +1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थर्ड जो है हमारा वो किससे मैच कर जाएगा, थर्ड हमारा क्यू से मैच करेगा। इसके बाद आपके पास NiCO का होल 4, Ni की X मानी और जो CO है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, कार्बोनिल बच्चों है ना, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो 4 मल्टीप्लाई में 0 एंड इक्वल टू में क्या आएगा 0 क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर। क्लियर है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स बराबर आपके पास निकल कर आ गया 0, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी निकल के। तो फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, पी आ जाएगा। तो फर्स्ट आपका आर से मैच करेगा, यहाँ पे क्यू से कर रहा है काट दो, यहाँ पे आर से सही हो सकता है, यहाँ पे एस से काट दो बच्चों, और यहाँ पे आर से सही हो सकता है। सेकेंड हमारा एस से करेगा क्या, यहाँ पे सेकेंड हमारा पी से कर रहा है, काट दो बच्चों, सेकेंड एस से, थर्ड क्यू से एंड फोर्थ पी से, आपका बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी। आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।